गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि सैटरडे को केमिस्ट्री का टेस्ट था, तो केमिस्ट्री के टेस्ट में 10 नंबर का आपका टेस्ट होता है, 10 नंबर आपके कमेंट्स के होते हैं। कमेंट्स मेरे वीडियो के ऑफ थे, मैंने भी इसको ऑन कर दिया है। अब जितने भी आप वीडियो देखोगे, उन वीडियो के आपको जो कमेंट्स हैं वो करने हैं। कमेंट्स में लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा वीडियो में, उस वीडियो का जो क्वेश्चंस का आंसर देना आपको कमेंट्स में, वो जो कमेंट्स के जो नंबर हैं वो भी आपके ऐड होंगे टेस्ट में। तो 10 नंबर का कमेंट्स के होंगे और 10 नंबर आपके टेस्ट के होंगे। तो आगे से आपको सभी को ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन आज के इस वीडियो में। आज का जो टॉपिक लेते हैं, आज का टॉपिक है ब्रेवे जल। ब्रेवे जालक, ब्रेवे फ्रांस के एक गणितज्ञ थे। उन गणितज्ञ ने सात क्रिस्टल तंत्रीय समुदाय में 14 विभिन्न प्रकार के त्रिविम जालकों को पाया। जो 14 जो त्रिविम जालक होते हैं, उन 14 त्रिविम जालकों को ही ब्रेवे जालक के नाम से जाना जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, जो क्रिस्टल तंत्रीय समुदाय है उसकी संख्या 7 है, और जो ब्रेवे जालक होते हैं उन ब्रेवे जालक की संख्या 14 है। तो कई बार सुनते हैं आपको एक नंबर क्वेश्चन आता है, ब्रेवे जालकों की संख्या कितनी होती है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रेवे जो जालक है उनकी संख्या 14 होती है। इसके अलावा ये जो आपके जो क्रिस्टल तंत्रीय समुदाय है, क्रिस्टल तंत्रीय समुदाय, तो ये जो क्रिस्टल तंत्रीय समुदाय है उसकी संख्या होती है 7। तो ब्रेवे जालक की संख्या 14 होती है और क्रिस्टल तंत्रीय समुदाय की संख्या 7 होती है। 7 जो क्रिस्टल तंत्रीय समुदाय है उनको हम शॉर्ट में याद कर सकते हैं, और वो शॉर्ट में जो क्रिस्टल तंत्र होंगे CTOR HMT। जो 7 क्रिस्टल तंत्रीय समुदाय है उनके नाम CTOR HMT, जिसमें पहले आपका C है और C मानी होता है क्यूबिक, और क्यूबिक मानी होता है घनीय। तो सी मानी क्यूबिक घनीय। सेकंड आता है टी, टी से बनता है टेट्रागोनल, और ये जो टेट्रागोनल है इसका हिंदी में नाम होता है द्विसमलाक्ष। तो टेट्रागोनल जिसका हिंदी में नाम होगा द्विसमलाक्ष, वो है ओ मानी होता है ऑर्थोरोम्बिक, और ये जो ऑर्थोरोम्बिक है इसका हिंदी में नाम होता है विषम लंबाक्ष। इसका हिंदी में नाम हो जाएगा विषम लंबाक्ष। एच मानी होता है हेक्सागोनल, और हेक्सागोनल को बोलते हैं षट्कोणीय। एच मानी एक जगह आपका आर है आपका, तो आर को कैंसिल करते यहाँ पे, तो ऐसे देखने यहाँ पे एच मानी हेक्सागोनल षट्कोणीय आर। आर मानी होता है रोम्बोहेड्रल, जिसको हम कहते हैं त्रिसमंताक्ष। तो रोम्बोहेड्रल इसका हिंदी में नाम होता है त्रिसमंताक्ष। एम मानी होता है मोनोक्लिनिक, और मोनोक्लिनिक मानी होता है एकांताक्ष। तो मोनोक्लिनिक जिसको हम कहते हैं एकांताक्ष। लास्ट में टी आता है, और इस टी को हम कहते हैं ट्राइक्लिनिक, और ये जो आपका ट्राइक्लिनिक है इसको त्रिताक्ष के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया आपका CTOR HMT,
ये सात प्रकार के क्रिस्टल तंत्र या समुदाय है जिनको हमें इनके नाम भी याद रखना है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये समझ में आ गया होगा कि ब्रेवे जालक की संख्या 14 होगी और क्रिस्टल तंत्र या समुदाय की संख्या 7 होती है, तो इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि इन सातों क्रिस्टल तंत्र या समुदाय में सबसे सम्मित क्रिस्टल तंत्र या समुदाय कौन सा है। तो सबसे सम्मित वो सबसे सम्मित जो क्रिस्टल तंत्रीय समुदाय है वो आपका घनीय है। सम्मित मानी इसकी जो आगे पढ़ेंगे अपन इसके सारणी बाद, इसकी जो अक्षीय दूरियां हैं, अक्षीय कोण है, वो लगभग समान होते हैं, इसलिए सबसे सम्मित घनीय को माना जाता है। और मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए, कई बार पूछा भी गया है कि सबसे असम्मित क्रिस्टल तंत्र या समुदाय का नाम बताइए, तो सबसे असम्मित जो होता है वो होता है त्रिनिदास ट्राइटिनिक, ये सबसे असम्मित क्रिस्टल तंत्र या समुदाय होता है। सबसे सम्मित होता है इसमें आपका क्यूबिक या घनीय होता है। अब इन सबको अपन पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ, इनकी क्या अक्षीय दूरी होती है, कितने ब्रेवे जालक पाए जाते हैं। तो सारणी को हमें याद रखना है, सारणी में बता रहा हूँ कैसे याद रखना है, जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ क्रम संख्या के बाद क्रिस्टल तंत्र या समुदाय, क्रिस्टल तंत्र या समुदाय, उसके बाद हमें लिखना है त्रिविंग या ब्रेवे जाल की संख्या। तो त्रिविंग जाल की संख्या के बाद अक्षीय दूरियां, अक्षीय दूरियां कितनी होती हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। इसके बाद अक्षीय कोण, अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा, और इनके हमें एग्जांपल भी हमें याद रखने हैं। सबसे पहले सी टी ओ आर एच एम टी में पहले कौन सा आता है, सी सी क्यूबिक, और क्यूबिक मानी घनीय हमें याद रखना है। क्यूबिक या घनीय में त्रिविम जाल की संख्या 3 होती है, सबसे सम्मित होता है, इसलिए इसकी तीनों अक्षीय दूरियां एक दूसरे के बराबर होती हैं। जो अक्षीय दूरियां हैं वो एक दूसरे के बराबर होंगी, अक्षीय कोण एक दूसरे के बराबर भी होंगे और 90 डिग्री के बराबर भी होते हैं। अल्फा बीटा गामा इक्वल होंगे 90 डिग्री के बराबर। इसमें एग्जांपल आता है सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड जिसको हम कहते हैं यसद ब्लड। तो जैसे सोडियम क्लोराइड है, जिंक सल्फाइड ZnS, इसको यसद ब्लेंड के नाम से जाना जाता है। सेकेंड जो क्रिस्टल तंत्र या समुदाय है वो आपका टी है, टी मानी टेट्रागोनल। तो टी मानी है टेट्रागोनल, जिसको हम कहते हैं द्वि समलाक्षर। तो टेट्रागोनल द्वि समलाक्षर, नाम देखो द्वि है मतलब दो, ब्रेवे जाल की संख्या 2 होगी। इसके बाद देखो दो समान द्वि समलाक्ष, दो समान, इसमें जो दो अक्षीय दूरियां हैं वो तो समान होंगी लेकिन तीसरी भिन्न होगी। अक्षीय कोण, अक्षीय कोण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह आपके सेंटेंस होंगे।
अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री के, इसमें जब मिलाते हैं टिन ऑक्साइड टाइटेनियम ऑक्साइड, दो दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। तो यहाँ टिन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड CTO, ओ मानी होता है ऑर्थो रोम्बिक, तो ऑर्थो रोम्बिक इसका नाम होता है विषम लंबाक्ष, ऑर्थो रोम्बिक या विषम लंबाक्ष। इसमें द्रव्य जालक की संख्या द्रव्य जालक की संख्या 4 होती है, जो कि सातों पिष्ठ तंत्रीय समुदाय में सर्वाधिक द्रव्य जालक की संख्या जिस तंत्र की होती है उसका नाम होता है ऑर्थो रोम्बिक। ये भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। विषम है कोई समान नहीं होगा, तो यहाँ जो अक्षीय धुरियाँ हैं वो तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होती हैं। अक्षीय ध्रुवों में जोड़ प्रभाव नहीं पड़ेगा। अल्फा बीटा गामा ये आपके 90 डिग्री के बराबर होंगे। विषम लंबाक्ष है, एग्जाम्पल यह रखना है रोम्बिक सल्फर, इसके अलावा पोटेशियम नाइट्रेट CTOR, आगे देखिए रोम्बोहेड्रल, तो रोम्बोहेड्रल त्रिसमंताक्ष, तो रोम्बोहेड्रल त्रिसमंताक्ष। द्रव्य जाल की संख्या एक ही होती है, त्रिसमान तीन समान होंगे इसमें, यहाँ तीनों अक्षीय ध्रुवियाँ समान होंगी, लेकिन अक्षीय कोण समान नहीं होंगे। अक्षीय कोण समान तो होते हैं तीनों एक दूसरे के, लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। त्रिसमंताक्ष में जिस पदार्थों में इस प्रकार का क्रिस्टल पाया जाता है उनमें आता है कैल्साइट, कैल्साइट CaCO3, पारिका या मरकरी का एक एस होता है पारद या सिम्बार, तो पारद या सिम्बार HGS, ये त्रिसमंताक्ष का एग्जाम्पल हो जाएगा। CTORH हेक्सागोनल षट्कोणीय, तो हेक्सागोनल षट्कोणीय है, यहाँ भी त्रिभुज जालक की संख्या एक होती है। अक्षीय ध्रुवीय की बात करें तो यहाँ दो अक्षीय ध्रुवियाँ तो समान होती हैं, लेकिन तीसरी समान नहीं होती है। हमें ध्यान रखना है अक्षीय ध्रुवियाँ यहाँ दो तो यहाँ समान होती हैं, लेकिन तीसरी समान नहीं होती है। लेकिन जब अक्षीय कोण की बात करेंगे तो इसका अक्षीय कोण और यहाँ पूछा गया है हेक्सागोनल का, तो यहाँ अल्फा और बीटा अक्षीय कोण बराबर होते हैं 90 डिग्री के, लेकिन जो गामा जो कोण होता है वो 120 डिग्री का होता है। ये हमें याद रखना है कि षट्कोणीय में अक्षीय ध्रुवीय और अक्षीय कोण पूछते हैं, तो यहाँ दो तो 90 डिग्री बराबर होगा, लेकिन एक 120 डिग्री के बराबर होता है। इसमें आता है एग्जाम्पल ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का हिस्ट्री अप्रूव होता है, एक होता है जिंक ऑक्साइड। इसके बाद में नंबर 6 आते हैं मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक एकांताक्ष, तो मोनोक्लिनिक एकांताक्ष नाम तो एक है, लेकिन द्रव्य जालक की संख्या यहाँ पे दो होती है। अक्षीय ध्रुवियाँ कोई भी समान नहीं होंगी एक दूसरे के, तीनों अलग अलग होती हैं। अक्षीय कोण में ध्यान रखना है, अक्षीय कोण में अल्फा गामा दोनों 90 डिग्री के बराबर होंगे, लेकिन जो बीटा है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, यहाँ जो मोनोक्लिनिक है उनमें जो अल्फा गामा 90 डिग्री के बराबर, लेकिन बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा।
इसमें एग्जांपल आते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर। तो इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है वो आएगा आपका मोनोक्लिनिक सल्फर। इसके बाद में नंबर सेवन पी, जिसको हम बोलते हैं ट्राई क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक जिसको हम बोलते हैं यहाँ त्रिंताक्ष, तो ट्राई क्लिनिक या त्रिंताक्ष। यहाँ भी ब्रेवे जाने की संख्या एक होगी। पहले बताया मैंने आपको कि ये सबसे यहाँ ये सबसे आपका असममित होता है, इस कारण से यहाँ अक्षीय दूरी यहाँ एक दूसरे के बराबर नहीं होती है। अक्षीय कोण की बात करोगे, अक्षीय कोण भी एक दूसरे के बराबर भी नहीं होंगे। तो ये जो अक्षीय कोण है वो एक दूसरे के बराबर भी नहीं होते हैं। इनका एग्जाम्पल आता है जैसे कि कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O, बोरिक अम्ल H3VO3। यहाँ जो नंबर सिक्स है इसका भी आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हो Na2SO4.10H2O, जिसको लवण के नाम से जाना जाता है, एक प्रकार का क्रिस्टल लवण है। तो Na2SO4.10H2O ये भी एक अंताक्ष का एग्जाम्पल हो सकता है। इस प्रकार से हम यहाँ इस सारणी को याद कर सकते हैं। आजकल क्वेश्चन है वो आपका ये है, सर्वाधिक ब्रेवे जालकों से युक्त क्रिस्टल तंत्र या समुदाय का नाम बताना है। उन सातों क्रिस्टल तंत्र या समुदाय में से वह क्रिस्टल तंत्र समुदाय कौन सा होगा जिसमें ब्रेवे जालकों की संख्या सर्वाधिक होती है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स करना है, कमेंट्स के नंबर होंगे आपके, इसलिए सभी को आपको कमेंट्स करना है। थैंक यू।